भारत की सबसे अधिक प्रतिष्ठित सेवा यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान की सर्वोच्च सेवा वाली प्रतियोगी परीक्षा में गोरखपुर के दो होनहारों ने अपनी जगह पक्की की है, जिसमें एक सहजनवा की रहने वाली अंकिता मिश्रा और दूसरे गोरखपुर के रेलवे कॉलोनी में रहने वाले अंशु श्रीवास्तव शामिल हैं। अंशु श्रीवास्तव के घर जब इसकी सूचना मिली और वो सूचना खुद ही अंशु ने दी तो सभी घर वालों के खुशियों का ठिकाना ना रहा। सुबह से ही अंशु के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में अंशु श्रीवास्तव ने 163वीं रैंक प्राप्त की है। इससे पहले अंशु लगातार 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सफलता मिली तो 4थी बार में। अंशु उसके पहले आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद मद्रास के किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उनका सपना बचपन से ही आईएएस अधिकारी का बनना था, जो आज जाकर पूरा हुआ। अंशु के पिता प्रभुनाथ श्रीवास्तव रेलवे में कार्यरत हैं और माता शीतला श्रीवास्तव गृहिणी हैं। अंशु लगातार 3 सालों से साक्षात्कार तक पहुंच रहे थे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अपने हिम्मत को अपना हथियार बनाकर चलने वाले अंशु ने 4थे प्रयास में सफलता प्राप्त की, जो कि गोरखपुर के लिए किसी गौरव से कम नहीं। हमने अंशु के पिता और माता दोनों से बात की और उसके बारे में जानना चाहा कि किस तरह से उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया, तो उन्होंने इस संदर्भ में बताया। उनका हार्दिक इच्छा था, उनका ने पूरा कर दिया। आज कैसे आज शुरू से उनके जो पाए हैं, कितनी मेहनत करते थे, कैसे पाए? वे शुरू से बहुत लंग्स लगन के साथ मेहनत करते थे और जो करते थे वो करके दिखाते थे, उसमें कोई कमी नहीं था। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? इनकी गोरखपुर में सब कुछ पढ़ाई लिखाई हुआ है। उन्होंने रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल करने के बाद आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल से उन्होंने आईटीआई बीटेक किए और उसके बाद चेन्नई में जॉब करने चले गए। एक साल करने के बाद उन्होंने डिजाइन देकर अपना तैयारी में लग गए। उनको शुरू से ही था कि हमको आईएएस ही बनना है, 18 घंटे से कम नहीं पढ़ते थे, 3 बजे भोर में 4 बजे सोते थे। आईआईटी करने के बाद ही लगे हैं 2014 उसके पहले तो उन्होंने आईटीआई में अपना बीटेक में तैयारी की और उसके बाद पास होने के बाद उन्होंने अपना आईएएस का तैयारी करना शुरू। बहुत बात हुई, बहुत खुश थे और हम लोगों के बहुत कह रहे थे सब आप लोगों के कृपा है, आशीर्वाद है, ये आज हम यहाँ पहुँचा हूँ और विशेषकर इनका वही का और जो मेरे छोटे भाई हैं मुरारी उनका, यही दो आदमी का इसमें पूरा सहयोग रहा है। पद पे आसीन हो, आज बताइए वही रटा रटा या सवाल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ खास चीजें बताएंगे उनके बारे में जो और भी लोगों को प्रेरित करें एक माँ के तौर पर? खास चीज ये है कि उनके शुरू से हम यही दिए कि भाई इंजीनियरिंग करना है। पहले आईएएस का तो कोई बात नहीं था, इंजीनियरिंग कर दो। इंजीनियरिंग में पहले ही इंटर के साथ ही आ गए, मदन मोहन मालवीय में एडमिशन हुआ और मेडिकल दे के कहे कि हम नहीं यहाँ से करेंगे, हम आई आई टी की तैयारी करेंगे। तो मेडिकल दे के हम ले गए मोमेंटन में एडमिशन कराए, हम उनके पापा कहते हैं चाचा को, और उसके बाद उनके सर हैं संजीव सर, वो कहे थे कि हम इनके तो खोज रहे थे, हम तो फ्री में पढ़ाएंगे। हम लोग ज़बरदस्ती पैसा जमा कर दिए और वो पढ़ाए और 570 अंक ले आए उनमें। तो वहाँ से निकल गए पढ़ के, नौकरी ज्वाइन किए, तो हम कहने लगे कि बेटा तू कहे थे आई ए एस के तैयारी करने के, तो नौकरी कर रहे हो, तो वो 1 साल नौकरी करके रिजाइन दे दिए, कहे थे हम तैयारी करेंगे। पढ़े में मन उसका शुरू से लगन था। कल रिजल्ट आया है, फोन की घंटी बजी होगी, धड़कने भी बढ़ गई होंगी, हम तो बढ़ गए। कैसा लगा उस समय? उस समय तो बहुत डर गए, हम सोचे कि क्या हुआ है, हम समझ गए कि रिजल्ट आया है, तभी फोन किए, कहेंगे सवेरे बता दीजिए थे कि आज रिजल्ट आने वाले हैं मम्मी। तो सवेरे से चिंता था कि क्या होगा, तो
फोन आया था हम डर गए, पता ना क्या बोले, फोन तुरंत उठाए तो तुरंत कहे मम्मी हमारा हो गया, हमको तो माने खुशी का मतलब ठिकाना नहीं, आंसू आ गए कि भाई चलो लड़का मेहनत किया तो सफल हो गया। अच्छा, और माँ बाप को, आप दूसरे माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि वो अपने बच्चे के माने अथी करेंगे तो जरूर उनके बच्चे आगे निकलेंगे, माँ बाप के माने कुछ अथी होता है बच्चे के पीछे, हम आज तक नहीं डांटे हैं ना मारे हैं, खाली यही कहेंगे बेटा कोई धन संपत्ति नहीं है, यही है कि पढ़ के तू लोग लायक बन जाए। एक और सवाल इसी में आता है कि उन्होंने आईआईटी किया उसके बाद नौकरी भी की, नौकरी छोड़ी। हाँ। कुछ माँ बाप होते हैं रोक देते हैं कि अरे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या है? हम लोग ऐसा नहीं किए, हम लोग तो वही एक साल किए, तो वही था कि तू करके थोड़ा नुकसान, सिर्फ एक नाम के लिए। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि 163वीं रैंक प्राप्त किए अंशु श्रीवास्तव अभी दिल्ली में हैं।